पांचवी सालाना इंतजामिया को हुक्म है कि ऐलान करना है महफिल नूर का समा मोहल्ला बगिया वाला में मुनाकिद हो रही है। इंशाल्लाह जल्द ही डेट फाइनल हो जाएगी और उसमें खुसूसी नात मोहम्मद आजम कादरी साहब ऑफ लाहौर आप अपनी नात पेश करेंगे। बानी महफिल है सजाद बगर साहब अब्दुल कुदूस खान साहब और एक और ऐलान जनाब सूफी मोहम्मद हुसैन नक्शबंदी साहब आपका हुक्म है तो इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल की रात जामे मस्जिद बाबा रोशन शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह में खुसूसी महफिल का इनेकाद होगा जिसमें खतीबे पाकिस्तान आलम बाअमल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब रोबोटिक सिंह वाले अपना खिताब फरमाएंगे। शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल करें। मैं बिला ताखीर बानिया ने महफिल की फरमाइश भी 4-5 मिनट के अंदर पूरी करना चाहना तो तुम सारे अब एक मरतबा जेड़े आए हो बराए मेहरबानी बैठ जाओ जेड़े अब पीछे खड़े उन्होंने गुजारिश है कि थोड़े थोड़े अगर आवन बैठ जाओ। सारे मेहमान तशरी फरमा ने मैं भी थोड़ा मकामी हाँ सारे सना खान भी मकामी ने जहाजेब भाई बड़े दूर तू मेहमान आए ने मुजाहरा करो कि इन्हें पता चले कि वाकई मजहब लोग ने यजीद फिस्को फजूर सारा हुसैन कैफो सुरूर सारा मैं मुख्तसर वक्त पेश करना चाहता यजीद फिस्को फजूर सारा हुसैन कैफो सुरूर सारा यजीद लुच्चा शराबी वड्डा हुसैन सुच्चा सहाबी वड्डा यजीद लुच्चा शराबी वड्डा हुसैन सुच्चा सहाबी वड्डा यजीद बेनूर बेमुरादा हुसैन हैदर दशा हजादा यजीद मर्दूद बेमुरम्मत हुसैन जिस्ती हिजाद नबूवत यजीद मर्दूद बेमुरम्मत हुसैन जिस्ती हिजाद नबूवत यजीद अय्याश ते आवारा हुसैन बरकत इस्तियारा यजीद अय्याश ते आवारा हुसैन बरकत इस्तियारा यजीद जाहिल यजीद बातिल हुसैन आमिल हुसैन कामिल यजीद ला दीन बेनमाजी हुसैन कारी हुसैन गाजी यजीद ला दीन बेनमाजी हुसैन कारी हुसैन गाजी यजीद जुल्मत यजीद अंधेरा हुसैन सच्चा अंधेरा सवेरा यजीद जुल्मत यजीद अंधेरा हुसैन सच्चा हुसैन सच्चा हुसैन सच्चा मेरा सवेरा यजीद लानत मुस्तहिक के हुसैन रहमत मुस्तहिक यजीद लानत मुस्तहिक के हुसैन रहमत मुस्तहिक के यजीद पिटकार दा पलंदा हुसैन अल्लाह दा नेक बंदा यजीद दुर दुर दे नाल नाल हुसैन हर होर दे नाल नाल यजीद पिटकार दा पलंदा हुसैन अल्लाह दा नेक बंदा यजीद पिटकार दा पलंदा हुसैन अल्लाह दा नेक बंदा यजीद धुर धुर दे नाल नाले यजीद धुर धुर दे नाल नाले यजीद धुर धुर दे नाल नाले हुसैन हर हर दे नाल नाले यजीद मतलब परस्त कुत्ता हुसैन जनता दे विच सुत्ता यजीद मतलब परस्त कुत्ता हाजी साहब जी यजीद मतलब परस्त कुत्ता हुसैन जनता दे विच सुत्ता यजीद मुजरिम खबीस वड्डा हुसैन मोमिन रईस वड्डा यजीद मुजरिम खबीस वड्डा हुसैन मोमिन रईस वड्डा यजीद अबतर यजीद कमतर यजीद अबतर यजीद कमतर हुसैन आले नबीद अफसर हुसैन आले नबीद अफसर हुसैन है आले नबीद अफसर हुसैन आले नबीद अफसर यजीद गुमनाम उजाड़ बस्ती हुसैन वड्डी ते उच्ची हस्ती यजीद गुमनाम उजाड़ बस्ती चार शेर रह गए इस कलाम दे यजीद गुमनाम उजाड़ बस्ती हुसैन वड्डी ते उच्ची हस्ती यजीद कातिल पलीद वड्डा हुसैन कामिल शहीद वड्डा यजीद पद यजीद कातिल यजीद कातिल यजीद कातिल पलीद वड्डा हुसैन कामिल शहीद वड्डा खिजर हुसैनी ये ज़र्फ मेरा जाजे भाई खिजर हुसैनी ये ज़र्फ मेरा मैं ऐसे मसलक दत्तर जुमाना यजीद अशर तई पुणींदा रासी हुसैन अशर तई चुमींदा रा यजीद अशर तई पुणींदा रासी हुसैन अशर तई चुमींदा रासी पूरा वाकिया करबला एक शेर के अंदर पेश करना चाहना उत्ते जरा जई जई अल्लामा साबरी साहब तशरीफ फरमाने तो आप दी तवज्जो चाहना उलमा नु समझ आवणी है ज्यादा उत्ते जरा जई पैर ते सो जाया अल्लाह पाक आधा है हुन
खत्म जा तस्बी तू दो सिर वध करवाए विच करबल सैयद कलम। आखरी शेर मेरा दिल मकरूज हुसैन रहे लड़ इस मकतूल नहीं छुटदा हर चीज इधर छुट सकती है घर पाक रसूल दा नहीं छुटदा। मीसम सिमार दा फैसला है मीसम सिमार दा फैसला है कोई बोल उसूल दा नहीं छुटदा। सहरा दा असली मांगत हां घर पाक बतूल दा नहीं छुटदा। थोड़े सामने जिस शख्सियत नु मैं दावत रात पेश करने जा रहे हैं उन्हें वास्ते मैं इतना ही कहना चाहना एक और ऐलान चार रबीउल अव्वल जामे मस्जिद गुलजारे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दे अंदर सालाना महफिल मिलाद इनकाद पजीरे इंशाल्लाह खुसूसी नात अली रजा मुजम्मिल साहब ऑफ मियांवाली वो अपनी हाजरी पेश फरमाएं। और एक आखिरी ऐलान है इंशाल्लाह 31 अक्टूबर बाद नमाज ईशा हाजी रमजान बानी कमीशन साहब वल्लाह इस्लामपुरा नूरपुर थल दे अंदर उठे खूबसूरत महफिल नात दे इनकाद कीता जा रहा है जिदे जहां जेब का मतलब क्यों होता है जहां का मतलब दुनिया और जेब का मतलब सजाइश नुमावट नुमाइश सजावट है तो जहां से दुनिया की जेब जीनत तो दुनिया की जेब जीनत को किसकी जात है मदीने वाले की जात है। उस जहां जेब का जिक्र करने के लिए आज चीचे वतनी से गुलामे जहां जेब आया है इसका नाम भी जहां जेब है। और फिर कादरी वो होता है सलीम भाई कादरी वो होता है जिसकी लौ कादर से डायरेक्ट लग जाए। और कादर से किसकी लौ लगती है जिसकी लौ जहांजेब से लगती है। जनाबे मोहतरम मोहम्मद जहांजेब कादरी साहब आप रात दिन महफिल के अंदर मसरूफ ने इन वास्ते ये शेर बनया सी कि मकतब है इश्क का दस्तूर निराला देखा उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद किया सना खानों में सना खानी में इन्होंने सारी जिंदगी गुजारी। अल्लाह ने आवाज दी है बहुत प्यारी सुनने को बेताब है महफिल सारी माइक पे तशरीफ लाते हैं जनाबे मोहतरम मोहम्मद जहांजेब कादरी हत्तारी आप आणगे और अपने खूबसूरत अंदाज दे नाल आका ओ मौला दी बारगाह दे अंदर हाजरी पेश करन के नारे तकबीर। नहीं 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 ये जहांजेब भाई नो सनी शुरू करना तुसा बुलंद आवाज नाल दोवे हाथ चा के मैं हुण तक डिमांड नहीं कीती लेकिन हुण डिमांड कर रहे नारे तकबीर बुलंदाबाद नाल पिछले अबाब इस साइड तो लेके इस साइड तक सारे अबाब नारे दा जवाब रहो नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे हैदरी अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब फरीद गागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस एक मोरे दो नैन न खाइयो मुझे पिया मिलन किया अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब फरीद जनाबे मोहतरम फखरे पाकिस्तान फखरे पंजाब सना खाना ने पाकिस्तान दा मान जनाबे इज्जत माफ बिरादर अकबर मोहम्मद जहांजेब कादरी साहब अपनी खूबसूरत हाजरी पेश करते ने सारे अब आप पहले जहांजेब भाई की जुबानी दरूद शरीफ सुनने ते फिर नाल मिलके पढ़ने जरा खुले दिल से जवाब दीजिए अस्सलाम वालेकुम मुबारकबाद के मुस्तहिक जुमला अहबाब जिन्होंने इस खूबसूरत बाबरकत में